Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kunja Bihari. Yeah.
ज्योतिरांगस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददाति चोदनान्वितं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवाश्च श्रीरूपं सर्वजातं सकलनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिता श्रीवृताकालिकाश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणामामि हरिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरया नष्टप्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तीर भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मुखं करोति वाचालां मङ्गोलनियतिकं निष्टिपहात्मं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं प्रमानन्दमाधव श्रीचैतन्यशुभ हरे कृष्ण विस्मृति है हमारे पास क्योंकि 5 बजे बज चुका है तो फिर 6:30 बजे हल खाली भी करना है तो हम मैं थोड़ा सा एक गोवर्धन लीला गोवर्धन किस तरह प्रकट हुआ गोलोक में यहाँ पे और थोड़ा सा हम लोग भागवत थोड़ा लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो उपदेशामृत क्लास लिए हम सब ने तो उसमें उपदेशामृत के 9वां श्लोक में वर्णन है जो कि इस पृथ्वी में सबसे पवित्र स्थान मथुरापुरी को माना जाता है क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है और उससे भी पवित्र स्थान वृंदावन धाम है जहाँ पे भगवान ने लीला किया है और वृंदावन धाम से भी पवित्र स्थान है गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन जहाँ पे जिस गिरिराज गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया है और बहुत सी लीलाएं की है और उससे भी और पवित्र स्थान है राधा कुंड श्याम कुंड। तो यहाँ पे लोगों को सामने बता रहे हैं कि गिरिराज गोवर्धन जहाँ पे वृंदावन के बीच में है तो कितना महत्वपूर्ण है भगवान के अति प्रिय और भगवान से अभिन्न और हमेशा भगवान के सेवा में तत्पर रहने वाला तो उनको हरिदासर भी कहते हैं गिरिराज को क्योंकि वो भगवान को हमेशा सेवा में रहते हैं फूल फल कंदरा और सब गिरिराज गोवर्धन के नीचे हर प्रकार की चीज है जो भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करते हैं। कृष्ण को क्या चाहिए हर चीज गिरि गोवर्धन प्रदान करते हैं भगवान को भगवान के सेवा के लिए भगवान के संतुष्टि के लिए तो इसके लिए भगवान का बहुत प्रिय है भगवान का सेवक है और कृष्ण से अभिन्न है। तो इस
गोलोक वृंदावन धाम में इसका प्रारंभ करते हैं। तो ब्रजमंडल परिक्रमा करके एक बुक है, आप कभी वृंदावन जाएंगे तो उसमें ले सकते हैं। पूरा 84 को ब्रजमंडल परिक्रमा की बुक है, लोकनाथ परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज लिखा है एक बुक है, तो उसे पढ़ सकते हैं, उसे विस्तार से है। तो बताया गया है कि जब राधा कृष्ण गोलोक में थे तो राधा रानी ने कृष्ण को बताया कि हम अपना क्रीड़ा करने के लिए अलग अलग जगह में जाते हैं, कभी पहाड़ में जाते हैं, कभी कुंड में जाते हैं, कभी दूसरे जगह में अलग अलग जगह घूमते हैं। अगर ऐसा चीज हो जहाँ पे एक ही जगह सब उपलब्ध हो, है ना, क्रीड़ा करने के लिए हम लोग जो खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, वो अगर एक ही जगह में हो तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात है, ऐसा राधा रानी की इच्छा हुआ। तो फिर भगवान कृष्ण ने उसमें लिखा है कि भगवान कृष्ण जब अपने हृदय के अंदर अपना दृष्टि डाली तो वहां से एक छोटा सा चिंगारी निकला, थोड़ा सा, तो बाहर प्रकाश के रूप में बाहर निकलकर वो बहुत सुंदर एक पहाड़ के स्वरूप लिया जो है गिरिधर गोवर्धन है, जहाँ पे हर चीज है, भगवान के लिए क्या चाहिए वो चीज सब चीज उस गिरिराज गोवर्धन उपलब्ध कराते हैं। तो वहां पे हमेशा राधा कृष्ण क्रीड़ाएं करते हैं, गोपियां, अष्टगोप गोपाल जो भी भगवान के सखा है वो सब लोग वहां पे जाके क्या करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, खेलते हैं। तो फिर भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, आते हैं ना किसके लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और भक्तों को सुरक्षा करने, रक्षा करने के लिए आते हैं, है ना। तो कभी कभी भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के ऊपर कोई गर्व हो गया, जैसे कुछ हम लोग कुछ सेवा करते हैं तो सबको अच्छा से किए तो हम लोग को थोड़ा गर्व होता है ना, तो कभी भगवान क्या करते हैं, अपना भक्तों के ऊपर कुछ गर्व हो गया तो क्या करते हैं, उसको गर्व को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, गर्व को उसको हरण करते हैं, करेक्ट, उस गर्व का हरण करते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रज में थे भगवान, गोलोक में थे, तो भगवान इस भौतिक जगत आने का हुआ, तो उस टाइम में फिर भगवान ने राधा रानी को पूछा कि अभी हम भौतिक जगत में अवतरित हो रहे हैं, तो राधा रानी को प्रस्ताव रखते हैं कि आप ही चलिए हमारे साथ भौतिक जगत में जो हम लीलाएं करते हैं उसके लिए। तो राधा रानी बताया कृष्ण को कि मैं जहाँ पे वृंदावन और यमुना नदी और गोवर्धन पहाड़, जहाँ पे वो नहीं होगा मैं वहां पे नहीं जा सकूं, महाराज लिख रहे हैं वहां प्रसन्न नहीं होऊंगा, राधा रानी जिस जगह तीन चीज नहीं होगा वहां पे प्रसन्न नहीं होंगे। तो फिर भगवान ने क्या किया कि उस ब्रज को गोलोक से इस भौतिक जगत में स्थापित किया, जहाँ पे ब्रज है अभी गोलोक, गोलोक वृंदावन है, लेकिन वहां पे गिरी गोवर्धन नहीं था, ओनली ब्रज था, वहां पे ब्रज धाम था लेकिन गिरी गोवर्धन वहां पे नहीं था। तो फिर ये अलग अलग जगह में है, एक फिर उसको लाने के लिए भगवान ने उस गिरिराज को द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में जन्म किया, जो सालमली भारतवर्ष के सालमली द्वीप जगह है जो पश्चिमी साइड में, तो वहां उसमें उनका प्रकट हुआ। तो एक बार क्या हुआ, पुलस्त्य ऋषि जो है शिवनगरी, मतलब लिखा महाराज लिखा शिवनगरी जो काशी में रहते हैं, वो घूमते हुए उस सालमली द्वीप में आ गए जो भारतवर्ष के, तो देखा कि वहां पे बहुत सुंदर पहाड़ है, वहां पे मतलब फल फूल से लगा हुआ है और कुंड है, बहुत कुछ सुंदर है। तो उनकी इच्छा हुआ कि उस गिरी गोवर्धन को, उस पहाड़ पर्वत को अपने काशी में लेके जाने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई पर्वत नहीं है, अगर वहां लेके जाएंगे तो हम तपस्या करने के लिए हम लोग बहुत सरल होगा, और वहां की बहुत ऋषियां हैं वहां पे, वो लोग को भी बहुत इजी होगा वहां पे, मतलब जो तपस्या करने के लिए, ध्यान करने के लिए, वैसा उनको मन में हुआ प्लस ऋषि को, तो उन्होंने समझा कि उनको अभी मैं वहां पे लेके जाऊँ, इसके लिए उन्होंने जाके उनके पिता जो है द्रोणाचल पर्वत को बताते हैं, लेकिन वो बहुत विचलित होते हैं, अगर अपना पिता पुत्र को तो कोई नहीं दे सकता है ना, दे सकता है नहीं दे सकता है, तो अभी अपना पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, तो उन्होंने अपना फिर बेटे को बोला कि आप बेटे को ही पूछ लो, लेकिन दोनों द्रोणाचल पर्वत और गोवर्धन दोनों के बीच बहुत प्रेम था अपना बेटे पास के बीच, तो उन दोनों विचलित हुए, फिर भी अगर ऋषि है तो अगर वो श्राप देंगे तो हमारा जीवन कुछ भी हो सकता है, तो इस कारण फिर मानना पड़ा। तो गोवर्धन ने एक शर्त रखा कि ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन आप मुझे ले जाते समय रास्ते में कहीं भी मेरे एक जगह में स्थापित किया तो दोबारा वहां से मैं नहीं लूंगा, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा। तो फिर उन्होंने सोचा जो पुलिस ऋषि ने, ठीक है कोई बात नहीं मैं तो उठा के ले जा सकता हूँ, उन्होंने फिर माना, तो फिर वो लेके जा रहे थे, तो आते आते ब्रज के ऊपर से आ रहे थे तो
गोवर्धन को स्मरण हुआ अपना, ये ब्रज जो है मेरा नित्य वास है, वहां पे भगवान आएंगे, लीला करेंगे, मेरे ऊपर खेलेंगे, क्रीड़ा करेंगे, उनको स्मरण हुआ। तो फिर उनके स्मरण होने के बाद उन्होंने अपना वजन तो जो है बढ़ा दिया, बढ़ाते बढ़ाते फिर कुलश्री से को बहुत भार हुआ। होने के टाइम उन्होंने फिर उस ब्रज में जहाँ पे अभी गिरगो वंदन वहाँ पे स्थापित किया, स्थापित करने के बाद उन्होंने यमुना में स्नान किया, जब नित्य वंदन जो शौचिक्रिया जो भी किया, फिर उठाने का प्रयास किया तो वहाँ पे नहीं उठता है। तो फिर गिरगो गोवर्धन को कहा कि भाई तुम क्यों नहीं उठ रहे हो, हमको वहाँ पे जाना है। तो उन्होंने स्मरण कराया ऋषि को कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, आपको पहले ही मैंने प्रस्ताव रखा था कि जान किस तक होंगे, मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको फिर क्रोध आया, अब ऋषि मुनि ऋषि का, तो उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हारा प्रत्येक दिन एक राही का दाने का तो क्या होगा, कमजी होता जाएगा। क्योंकि उस टाइम में महाराज उत्तर लिखते हैं कि गिरिराज गोवर्धन का गोलोक धाम में कितना बड़ा है वो हमारा भौतिक कल्पना से उसको जो क्या करते उसको वो नहीं कर सकते, नहीं नाप सकते। वो बुक में लिखते महाराज की गोलोक में उस कितना बड़ा है ब्रज, क्योंकि हजारों लाखों गोपियां हैं ब्रज गोप है ना, तो उनको सबके लिए क्रीड़ा करना चाहिए। तो इसलिए गोवर्धन गोलोक में बहुत बड़ा है, कईयों कईयों बड़ा है, तो हम भौतिक कल्पना से हम वो नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने फिर वहां पे उनको क्रोध दिया, तो उस दिन से गोवर्धन छोटा होता आ रहा है, एक राय के दिन 5000 दिन से इस तरह फिर गोवर्धन जो है वहां पे ब्रज में क्या होता है स्थापित होता है। दूसरा एक जो है आदि पुराण महाराज लिखते हैं, आदि पुराण में एक कथा है कि जब भगवान रामचंद्र श्रीलंका जाने के टाइम एक पुल बना रहे थे सेतु पुल, तो उस टाइम में फिर अनेक जगह से पहाड़ या बंदर लोग जो भी ला रहे थे, तो हनुमान जी जो है बड़ा बड़ा पहाड़ उठा उठा के लागे उसे ला रहे थे। तो रखते रखते एक बार जो है गिरि गोवर्धन ही उठा के ला रहे थे, लाते लाते फिर ब्रज में आ गया, ऊपर से ब्रज के ऊपर से जा रहे थे हनुमान जी लेके गोवर्धन को। तो वहां पर उनका आकाशवाणी हो गया कि भाई अभी सेतु सेतु पुल क्या हो गया, पूरा हो गया है, अभी लाने की जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी ने भी ब्रज में ही उनको क्या किया स्थापित किया। लेकिन फिर गोवर्धन को दुख हुआ कि हनुमान को बोला कि आपने मुझे अपना रामचंद्र के चरण से क्या किया दूर किया है, मुझे दुख हुआ इसलिए मैं आपको श्राप दूंगा। लेकिन हनुमान जी बोला कि आप श्राप नहीं दे दो, क्योंकि अभी तो नहीं लेकिन द्वापर युग में जब भगवान आएंगे तो आप इस पहाड़ के अंदर खेलेंगे, क्रीड़ा करेंगे, और ये जब लीला करेंगे तो आपका कृपा पूरा पूरा मिलेगा, आपकी मुझे श्राप देंगे मत, ऐसा करके आश्वासन किया। तो ब्रज फिर बहुत खुश हुआ, तो हनुमान जी जाते हैं वहाँ पे, फिर रामचंद्र से मिलते हैं, अपना जो सारा वृतांत समझ बता दिए प्रभु रामचंद्र को, फिर भगवान को बता दिए ऐसा ऐसा हुआ। तो इस तरह गोलोक से गिरि गोवर्धन भगवान का नित्य पार्षद है, इस भौम जगत में आता है। लेकिन भगवान गिरि गोवर्धन कैसे उठाते हैं, भागवतम का दशम स्कंद में है 24वां अध्याय में गीता में। तो भगवान क्या करते हैं, तो इसका पहली लीला है, भगवान जो यज्ञ ऋषि मुनि है ना यज्ञ करने वाला, उन यज्ञ ऋषियों को पत्नी को कृष्ण प्रेम दे देते हैं। ऋषि मुनि भगवान को बार बार को भेजते हैं, कुछ नहीं भेजते हैं, लेकिन ऋषि पत्नियां भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए भगवान को जो भी खिलाते हैं अपना भोजन जो भी यज्ञ में अर्पित करने वाला ले जाके अपना ग्वाल बाल के साथ जाके भगवान कृष्ण कृष्ण बलराम को ग्वाल बाल को खिलाते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। ऋषि पत्नी को क्या करते हैं भगवान अपना प्रेम दे देते हैं, कृष्ण प्रेम दे देते हैं। वो लीला करके भगवान जब वापस आते हैं वृंदावन में, तो नंद भवन में बहुत बड़ा उत्सव चलता है, जो है कोई लोग सामान इधर कर रहे हैं, कोई बना रहे, चहल होता है बहुत। और महाराज राधकुंड स्वामी लिखते हैं कि वहाँ पर इष्टपुष्टि हो रहा था, नंद महाराज और बाकी जो भी बड़े बड़े गोप हैं जो एजेंट है ना, अब इंद्र को कैसे पूजा किया जाए उसके लिए कुछ होना पड़ेगा ना, इष्टपुष्टि करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे इष्टपुष्टि करते हैं कि कैसे प्रोग्राम करेंगे क्या करेंगे, उसी तरह गोप जो है वो लोग बड़े बड़े जो एजेंट गोप हैं वो लोग बढ़ के इष्टपुष्टि कर रहे थे। तो कृष्ण परमान से सब वहाँ भी इंटर किए, अंदर गए तो देखा तो वो चलपल हो रहा है, तो नंद महाराज पूछते हैं तो क्या हो रहा है, ये देख रहा हूँ बहुत चलपल हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। तो महाराज राधा गोस्वामी ने बहुत सुंदर बताते हैं, बहुत अच्छा से बताते हैं क्योंकि और बहुत भाव में है, भाव में बताते महाराज। तो उन बताते हैं कि कृष्ण को जानने की जरूरत नहीं है, तुम बच्चा है तुम हटो, ऐसे बताते सारे। लेकिन फिर भी भगवान पूछते हैं सबको, लंबा से बताते महाराज। फिर नंद महाराज बताते कि ये किस लिए हो रहा है, कुछ कर्म कांडे है तो किसके संतुष्टि के लिए बता रहे कर रहे हैं आप ये, और किस उद्देश्य से कर रहे हैं ये सब कार्य, ऐसे बताते हैं। फिर बाद में फाइनली बताते हैं नंद महाराज की ये इंद्र के हम पूजा कर रहे हैं।
जो हम लोग को इस ब्रज में और सब जगह बरसात देके हमारा जो है घास गैया के लिए जो भी हम लोग को चाहिए खेती जो मिलता है वो बरसात से होता है। तभी भगवान बताते ना जहाँ बरसात से ही अन्न होता है, इससे हम जीते हैं। तो फिर नंद महाराज से बताते हैं कि ये ब्रज के हम लोग जो भी मिलता है बरसात से होता है, वो इंद्र से होता है। तो जो है हम लोग जो है इंद्र का संतुष्ट के हर साल इस तरह क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। तो भगवान उसके पास उसमें बहुत लंबा है अपना तर्क देते हैं, थोड़ा नास्तिकता जैसा है फिलोसफी देते हैं महाराज। मतलब अपना जन्म जो जन्म लेता है कर्म अनुसार सबको ये सब कार्य हो जाता है। जैसे कर्म लेके आता है वैसे उसको जीवन में हो जाता है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे भाग्य ले आता है वैसे होता है ना, जैसे हम कर्म जैसे हम भाग्य में है वैसे हम लोग जीवन में हो जाता है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे कर्म अनुसार हमको फल मिल जाता है। ऐसे करके भगवान को तर्क देते हैं नंद महाराज को। फिर नंद महाराज जो भी भगवान मान जाते हैं, क्योंकि भगवान ये क्वालिटी है अपना वाक पटुता बोलते हैं ना, अपना वचन से भगवान किसी को क्या करते हैं वचन कर लेते हैं, मुझ कर लेते हैं अपना वचन से। तो भगवान नंद महाराज को सुंदर से बताते हैं कि ये किसके लिए है। तो फिर भगवान की इस बात को सभी लोग मानते हैं, नंद महाराज सहित सभी को जो एजड है तो वो सब मान जाते हैं। फिर उस इंद्र को पूजा करने की तैयारी होता है। फिर तैयारी होने के टाइम पे सब लोग फिर सामान जो रेडी करते हैं। तो भागवत में है फिर भगवान बोलते हैं कि सब आप नया कपड़ा पहनो, सब सज धजो और प्रसाद खाओ, अच्छा से रेडी हो जाओ बोल के भगवान उनको आदेश देते हैं भागवत में। फिर वो सब लोग प्रसाद खाते हैं, अपना नया कपड़ा पहनते हैं सब। फिर आप सज धज के फिर अपना गाड़ी में जो होता है ना लकड़ी गाड़ी में फिर सब सामान डालते हैं। फिर आगे वो सब गिरी गोवर्धन को पूजा करने के लिए आते हैं। भगवान बोलते हैं कि आप इसकी जरूरत नहीं करने की जरूरत, इंद्र करने की क्या जरूरत है कि गोवर्धन जो है हमको क्या देता है, घास देता है, गैया चरती है, हमको दूध लेता है, दूध मिलता है, सब हम लोग को क्या होगा, हमारा जीवन इसलिए चलता है। और उसमें लिखा है कि हम कोई शहर में नहीं रहते हैं, हम जंगल के साइड में रहते हैं, हम गांव में रहने वाले हैं, ऐसा कुछ भागवत में लिखा है। तो फिर फाइनली सब सामान लेके जाते हैं, फिर गिरि गोवर्धन को परिक्रमा करते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं वो सामान। फिर वहाँ पे भगवान कृष्ण ही उस पर्वत के रूप में आके वो क्या करते हैं, वो प्रसाद सब लोग भगवान को लेते हैं, आलियों आलियों का और लाभ आयोग सब कुछ खाते हैं भगवान। फिर उनको भगवान दर्शन देते हैं, फिर कृष्ण ही स्वयं बैठ करके वो प्रसाद देते हैं। फिर सबको फिर एक लास्ट में तुलसी पत्र देते हैं तो भगवान उसका फिर भर जाता है भगवान के पेट। फिर उसके बाद सब परिक्रमा करते हैं, करते करते क्या होता है ये देखकर इंद्र को गुस्सा आता है, उसमें बहुत भगवान को बहुत बोलता है, बहुत शब्द है वहाँ पे भागवत में कि ये गोप जो है ग्वालपाल है इसका पास सुनकर जो ब्रजवासी जो है मेरा पूजा क्या कर रहा है नहीं किया बंद कर रहा है, ये एक जो बच्चा है इस बच्चा के बहका में आकर क्या कर दिया इन लोगों ने मेरा पूजा बंद कर दिया, ये लोग को अभी छोड़ने का नहीं है। हाँ वो बहुत भय से पड़ा तो लेकिन फिर भी अभी तो फिर इंद्र को क्रोधित होता है। फिर जो प्रलय होने के टाइम में जो बरसात होने वाला सांबर तक जो है बरसात है उनको बुलाते हैं, फिर ब्रज में पूरा पानी का बरसात होता है करता है वर्षा। फिर खुद पीछे पीछे अपना एरावत हाथी में आता है और जो घोड़ी पता क्या बोलती है उसको पता हवा भी लेके आता है पीछे पीछे। तो ब्रज में तास ना ब्रजवासी को मारने के लिए है ना, भगवान के पास तक मारने के लिए। तो फिर वो सब लोग लागे ब्रज में पानी बहुत गिर जाता है, मतलब बड़े बड़े खंभे के जैसे गिरता है पानी। लेकिन ब्रजवासी जो है भगवान शरण भगवान का क्या है शुद्ध भक्त है, भगवान के सिवाय ब्रजवासी कुछ भी मालूम नहीं है, पूरा शरणागत है कृष्ण के सिवा और कुछ भी वो नहीं जानते। कृष्ण ही ब्रजवासी का क्या है प्राण है। भगवान के साथ गोवर्धन पठान को क्या किया उठाया, फिर सभी बाल बाल गैया को भगवान ने बुलाया अंदर, फिर 7 दिन 7 रात तक उसको धारण किया भगवान ने। क्या होता है कभी कभी देवता लोग जो होता है ना वो कि 7 अध्याय भगवान हम बोलते हैं कि जो भी देवताओं से मिलता है मेरे से आता है ना, भगवान भक्त के साथ देते हैं जो भी देवता से आता है किससे आता है भगवान देवता को पावर देते हैं कुछ एक, तो उसी से क्या करते हैं हम लोग देवता लोग सब कुछ देते हैं पृथ्वी में। लेकिन आता है किससे डायरेक्ट भगवान से ही आता है। लेकिन कल कभी कभी क्या होता है हमको भी होता है, कभी हम लोग कुछ लीडर बन गया कुछ हम लोग को पोस्ट मिला था हम लोग को भी कुछ हो गया था हमारे पास पूरा शक्ति आया था, हमको क्या अहंकार आ जाता है भाई मैं बहुत बड़ा हूँ मैंने ये सब चला रहा हूँ मैं भी ये सबसे बड़ा हूँ ऐसा हम लोग का अहंकार आता है ना। तो देवता लोगों को भी कभी ऐसा इंद्र का भी ऐसा होता है कि वो
पूरा स्वर्ग का राजा है ना, राजा है, उसके बाद इंद्र शक्ति करके सब कुछ है, उसका कुछ टेंशन नहीं है, पूरा फुल्ली इंजॉयमेंट में है वो, तो ऐसा करें कभी वो भूल जाता है। लेकिन एक बात है, किसी भी परिस्थिति में हो लेकिन भगवान के शरण में चले जाता है। लेकिन असुर लोग क्या करते हैं, मानते नहीं है, भगवान के शरण में नहीं जाते। लेकिन देवता लोग क्या है, गलती करने के बाद ही भगवान के शरण में जाते, उसके लिए वो भगवान को प्रिय है ना। किसान हम लोग कुछ कार्य करते गलती हो, कुछ भी हो गया, लेकिन फिर भी हमको भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो भगवान हमको क्या करेंगे, माफ करेंगे, रक्षा करेंगे हमको। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है, किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय में हमको भगवान को नहीं छोड़ना है, भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो फिर उसमें बहुत लंबा है, भगवान फिर गोवर्धन उठाते हैं, फिर सभी ब्रजवासी ग्वालपाल और 9 लाख गाय, कभी कोई सोचता है कि कभी आप ब्रज धाम जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो लगता है कि इतना छोटा गोवर्धन है, फिर कैसे इतना लाख 9 लाख गाय है नंदा बाबा, एक ही नंदा बाबा का हजारों गोप है और का भी गैया है, तो इतना 9 लाख गाय कैसे गोवर्धन के ऊपर नीचे आया, ऐसा सोच सकता है ना कोई अगर इमेजिन करेगा तो, कभी गोवर्धन परिक्रमा किया। लेकिन सच्चिदानंद महाराज बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब गोवर्धन को स्पर्श किया तो गोवर्धन ने क्या किया, अपना स्वरूप क्या किया, बड़ा किया। जितना भी आया गाय, तो गोवर्धन ने भगवान की कृपा से स्पर्श किया कि अपने को विस्तार किया, बड़ा किया, बड़ा किया, तो जितना भी आया उसके अंदर सब चले गए, आ गए। इसमें कुछ भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना, भगवान के लिए करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास क्या है, शक्ति है। हाँ, भगवान अपार शक्तिमान है, भगवान के शक्ति के लिए हम जैसे बद्धजीव हमारा चिंतन बुद्धि से उसको नहीं समझ सकते। इसके लिए भगवान के जो भी क्रियाकलाप है, शास्त्र में जो भी लिखा है, हमको क्या करना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा बुद्धि नहीं है वो समझने के लिए, हम बहुत एक बद्ध जीव है, हम इस भौतिक चीज को में हम लोग का संशय होता है, हम कैसे हो सकता है, तो शास्त्र है, भगवान की लीला है, अचिंत्य लीला है, हम चिंतन से उसको नहीं समझ सकते। तो फिर भगवान ने उस गोवर्धन के अंदर सबको 7 दिन तक रखा और उसमें एक बात बताया, भगवान का 5 प्रकार का रस है ना, शांत रस है, दास रस है, साख्य है, वात्सल्य माधुरी रस है ना, 5 प्रकार का रस भगवान संबंध रखते हैं। तो उसने उसके अंदर भगवान ने 5 रस को आस्वादन किया, गोपियां भी थी उनके पास भी अपना आदान प्रदान किया, वात्सल्य रस में नंद बाबा यशोदा मैया के साथ देख के आनंद लिया है ना, अपने गोप सखा भी था उनके साथ भी संबंध स्थापित कर क्या किया उन्होंने, रस आस्वादन किया है कि नहीं, तो दास में अभी गोप है जो भी है, तो सब 5 रस में भगवान एक ही जगह में वो क्या किया, रस आस्वादन किया, आनंद लिया उस जगह में, बाहर नहीं, बाहर तो फिर अलग 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 रस है, नंदबाई का अलग रस है, दोस्तों के साथ अलग रस है, लेकिन उसके अंदर क्या किया भगवान ने 5 रस में क्या किया, रस लिया, आनंद लिया, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भगवान फिर 7 दिन उसको उठाया, फिर इंद्र को लगा कि भाई अब ये साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं इतना बड़ा बड़ा पहाड़ी में मतलब पानी का गिरा रहा हूँ लेकिन कुछ हिल नहीं रहा है। हाँ, तो भगवान ने क्या किया, गोवर्धन के ऊपर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और जो भी गिरता था सुदर्शन चक्र को तेज से सब कुछ उस टाइम बिल्ली होता था, वहां झर के फिर पाक के ऊपर जाता था, कुछ भी परस में कुछ भी नहीं हुआ, भगवान क्या किया, सुरक्षा किया। फिर 7 दिन के बाद फिर थम गया और मालूम हो गया उसको कि भाई ये मेरे बस के नहीं है, ये कुछ साल का व्यक्ति नहीं, उनको मालूम हो गया भगवान के, उनको पता था सबको कि भगवान लेने वाले हैं। तो हमने फिर जाके ब्रह्मा जी से पूछा कि मैंने ऐसे गलती किया, अभी क्या कर सकता हूँ, तो हमने क्या करना चाहिए, हमसे कुछ गलती हो गई तो क्या करना चाहिए हमको, नहीं हमसे तो वरिष्ठ भक्त है, हमने कोई गलती किया, हमसे गलती हो गया तो हमसे सीनियर भक्त से पूछना चाहिए, प्रभु जी मेरे जैसे गलत हुआ, प्रभु जी क्या करूँ मैं, तो हमको मार्गदर्शन करेंगे, भाई आप जाओ ऐसे ऐसे करके जाओ तो आपका समस्या सॉल्व होगा, आपने कुछ अपराध किया है, कुछ गलती किया, तो हमसे सीनियर भक्त है उनसे जाके हमको क्या करना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए कि भाई मेरे से ऐसा गलती हो गया प्रभु जी मैं क्या करूँ, तो हमको वो अच्छा से मार्गदर्शन करते हैं, भाई आप ऐसा करके जाओ, फिर जाने के बाद क्या होगा, आपका समस्या सॉल्व होगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, तो आपने गलती किया है, भगवान का अपराध किया है, लेकिन आप सुरभि गाय को लेके जाओ, सुरभि गाय भगवान को क्या है, बहुत प्रिय है ना। तो फिर उन्होंने फिर अपना ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, तो अपना जो निरसन दिया, तो फिर उन्होंने क्या किया, अपना सुरभि गाय को लेके गया भगवान के पास, तो फिर
भगवान ने गोवर्धन उठाने के बाद फिर बाल बाल सबको बाहर जब अब हो गया तो ब्रजवासी सबको बाहर अपना अपना घर जाने के लिए बोला। फिर भगवान ने धीरे से उस गोवर्धन को वहीं भी स्थापित कर दिया है कि नहीं। तो ब्रजवासी बहुत खुश हुए, सबने उत्सव मनाया, भगवान को ग्लोरिफिकेशन किया, भगवान की प्रशंसा किया, भगवान के गुणगान करते रहे चले गए। तो भगवान फिर अलग एक स्थान में गए तो फिर गंगा जी आते हैं फिर भी गाय के आगे ले जाके फिर भगवान से भगवान के चरणों में अपना मुकुट जो है इंद्र का, असली इंद्र कौन है? कृष्ण है ना। इंद्र जो है असली इंद्र कौन है? कृष्ण है। सुरभि गाय बोलते हैं भगवान को बोलती है सुरभि गाय की असली इंद्र जो है आप है, ये इंद्र नहीं है ऐसा बताती है सुरभि गाय। फिर भगवान वहां पे रहते हैं तो फिर इंद्र जी आते हैं गाय को आगे ले जाके फिर गाय अपना दूध से भगवान को अभिषेकम करती है। तो इंद्र अपना मुकुट ले जाके भगवान के चरण में डालते हैं, क्षमा याचना उनकी बहुत प्रार्थना है इंद्र का। फिर उसके बाद ऐरावत हाथ से वहां से लाया हूँ गंगा जल से भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान को क्षमा याचना मांगता है। फिर उनको भगवान को प्रार्थना करके क्षमा याचना करके भगवान को परिक्रमा करके वो अपना देश में अपना स्वर्ग में चला जाता है। फिर वहां पे जो अभी जो अभिषेक हुआ उसको गोविंद कुंड बोलते हैं, गोविंद इंद्र जो है भगवान गोविंद नाम रखता है। वो मतलब गाय को और गोविंद मतलब गाय को क्या करने वाला? आनंद देने वाला और गाय को आनंद प्रसन्न करने वाला, इसलिए नाम नहीं रखता। वहां पे गोविंद कुंड है जो हम परिक्रमा करेंगे, जो गोवर्धन परिक्रमा करने जाएंगे वहां पे कुंड है तो हम जाके वहां को दर्शन कर सकते हैं। बहुत कुंड है, बहुत कुछ भगवान की लीला स्थल है वहां पे। ऐसा करके फिर भगवान ने उस लीला को किया। फिर इंद्र का मान को जो है अपना अहंकार को क्या किया भगवान ने? नष्ट कर दिया। तो हमारा भी कभी भी ऐसा हो सकता है। तो भगवान फिर अपना भक्त को अहंकार को नष्ट करने के लिए और फिर अपना जो प्रेम जागृत करने के लिए अपने प्रति ऐसा करके फिर इंद्र को वहां पे अपना भेज देते हैं। उसे फिर भगवान का आगे लीला चलता है। तो इस तरह भगवान कभी कभी क्या करते हैं कि भगवत धाम से यहाँ आते दुष्टों को नाश करके अपने भक्तों को आनंद देते हैं, और कभी कभी भक्तों का अंदर कभी अहंकार हुआ तो वो अहंकार को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। अहंकार को भगवान कभी सहन नहीं करते हैं। किसी भक्त के अगर अहंकार हुआ हृदय में तो भगवान को कभी सहन नहीं। तो इसलिए हम यहाँ से कभी अगर जाएंगे वृंदावन तो अवश्य ही गिरिराज गोवर्धन को हम क्या करना चाहिए? परिक्रमा करना चाहिए। लोचन कमल लोचन पर बताते हैं मुंबई का मैंने कल सुना था, वो बताते कि वृंदावन ये जो गिरि गोवर्धन का परिक्रमा के बराबर है, संसार में कोई परिक्रमा नहीं है। तो परिक्रमा सबसे बड़ा अगर परिक्रमा कोई है तो क्या है? वो गिरि गोवर्धन परिक्रमा है। हाँ, तो हमको कभी अगर ब्रज में जाएंगे तो मौका मिले नहीं, मतलब हम जाना ही चाहिए वहां पे, तो निश्चित ही हमको गिरि गोवर्धन क्या करना चाहिए? परिक्रमा करना चाहिए। तो हम उनको प्रार्थना करना चाहिए कि हम वो कुछ भी देता है। गिरि गोवर्धन क्या है? भगवान से अभिन्न है ना, भगवान स्वयं है। तो वो वहां पे मन्नत पूरा करने के लिए बहुत लोग बहुत प्रकार की परिक्रमा करते हैं। 108 बार 1000 बार परिक्रमा एक दंडवत पर करके फिर दूसरा पायला चलते हैं, फिर 108 प्रणाम करके ऐसा करके क्या करते हैं वहां पे? परिक्रमा करते हैं लोग। कितना वर्षों लगता है परिक्रमा करने के लिए। दूसरा होता है एक प्रणाम किया फिर उठा फिर पत्थर का फिर परिक्रमा प्रणाम किया, ऐसा करके क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। कोई भजन परिक्रमा करते हैं, कोई आज प्रभु बता रहे थे हमारा ऋषि का प्रभु बहुत सुंदर से परिक्रमा करने का बहुत टाइम है, कोई इस तरह 1000 बार प्रणाम करके, कोई ऐसा दंडवत प्रणाम करके, कोई फिर पैदल चल के, वो भी नहीं कर सकता है तो फिर रिक्शा में बैठ के करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है तो कार में बैठ के करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए निश्चित। लेकिन सबसे अच्छा है कम से कम पैदल करना चाहिए। पैदल करेंगे तो हमारे लिए बहुत भगवान का प्रेम दे सकता है ऐसा बताया गया है। गिरि गोवर्धन हम परिक्रमा करें तो हम लोग को क्या देगा? भगवान का प्रेम दे सकता है। दूसरी एक बात मैं सुना, अगर हमारे जीवन में कुछ अनर्थ है कुछ है तो उसको भी निकालने के लिए कि हम उनको प्रार्थना करके हम उसको परिक्रमा कर सकते हैं। गिरिराज को हम प्रार्थना करके तो हमारा जीवन का वो निकल जाएगा और हम भगवान के प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं विनती है कि आप कभी ब्रज में गए तो निश्चित रूप में अगर ब्रज में गया तो हमको परिक्रमा करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम जाके वहाँ पे परिक्रमा करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जागृत हो, हम उनके प्रेम भक्ति करें, ऐसा करके हमको प्रार्थना हमको करना चाहिए। तो टाइम हो गया, अगली मैं थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया शायद, तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
तो उपस्थित सभी भक्तों को जो इसमें कुछ त्रुटि अगर गलती है तो ये मेरा है कि हमारा समय भी नहीं 5:30 हो गया, ऑलरेडी 6:30 बजे हल खाली करना पड़ेगा, ऑलरेडी ज़्यादा हो गया। तो आपसे मैं प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ, मुझसे जो गलती हुआ है इसमें कुछ त्रुटि है, निश्चित रूप में है, तो मेरा है, मैं जो अच्छा से आप लोग को नहीं बता पाया, अगर कोई भी अच्छा है तो ये जो है मैं जो भी लेक्चर सुना भक्तों से आज बुक में जो भी पढ़ा वही उनकी कृपा है। और इसका जो है हम अभी पहले बताया मैं आपको, इसका जो भी फल जो भी है ये है कि हमारा मुसब में दोबारा रेगुलर हमको क्या होना चाहिए, हल चलना चाहिए हमको।